हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो इस वीडियो में आपको लेंस की इंट्रोडक्शन दूंगा। ये भी हमारे 10th क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है लेंस? ये जैसे मेरे पास दो लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेंटर से थोड़ा सा मोटा है तो ये कन्वेक्स है, और ये सेंटर से थोड़ा सा पतला है तो ये कौन सा है? कनकेव। तो आप देख सकते हो कि ये जो कन्वेक्स है, ये बड़ी इमेज बना के दिखा रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जो कनकेव है वो छोटी इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लेंस क्या होता है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जनरली बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस, वन कर्व्ड एंड अदर प्लेन सर्फेस। तो यहां पे हमारे पास लेंस के टाइप्स आ जाते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? ये तो हमारा डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव। अब डबल का मीनिंग क्या है कि ये दोनों तरफ से कन्वेक्स है, ठीक है। ये दोनों तरफ से क्या है? कनकेव। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का इस साइड है आर वन, इसका कौन सा है आर टू इस साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक्सटर्नल आपको पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? वन अपॉन एफ इज इक्व टू म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये आर वन माइनस आर टू, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लेंस के लिए ये हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? तो ये हमारे पास है प्लेनो कन्वेक्स, तो हमने इस साइड से इसके साइन कन्वेंशन लेने हैं। तो आर वन इसका क्या आ गया? पॉजिटिव। लेकिन यहां पे आर टू कितना आ गया? जीरो। इसी तरह से इस साइड से आर वन कितना आ गया? नेगेटिव फॉर कनकेव। लेकिन इसी साइड से R2 कितना आ गया? जीरो। तो सेम हमारा यहां पे R1 क्या है? इस साइड से कनकेव नजर आ रहा है तो प्लस, लेकिन इस साइड से ये हमें कनकेव नजर आएगा तो नेगेटिव। ये हमारा कन्वेक्स नजर आ रहा है। अगर मैं हाफ को देखूं तो ये वाला, अगर मैं हाफ को देखूं यहां से तो कन्वेक्स नजर आ रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन मैं इसको हाफ से देखूं तो इस साइड से लेफ्ट साइड से तो कनकेव। अब यहां पे ये वाला R1 हमें कनकेव नजर आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो R1 क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इस साइड से लेफ्ट साइड से हमारा क्या नजर आ रहा है? R2 कन्वेक्स, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है फॉर डबल कन्वेक्स डबल कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास है लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसके बाद है हमारे पास म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। आर वन आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर हमने आगे पढ़ना है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स फोकल लेंथ डिपेंड्स, तो फोकल लेंथ स्टूडेंट किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। मटेरियल प्लास्टिक का है या ग्लास का है, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीडियम सराउंडिंग। अब ध्यान से हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है ये वाला, तो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर रेज यहां से ऐसे इस पे आ रही हैं तो वो कन्वर्ज कर रही हैं फोकस पे F2 पे, यहां पे होता है F1। अब इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, क्योंकि ये लेंस हमारा मटेरियल कौन सा बना हुआ है? ग्लास का। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन। अब यहां पर आपको पता है कि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, मींस अगर मैं इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन को, सॉरी म्यू टू को वाटर में डिप कर दूं, बाय चांस उसका म्यू वन हमारा यहां पे बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये वाली रेज ऐसे निकल जाएंगी। अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा हो गया तो, ठीक है। तो सेम हमारा कनकेव के लिए होगा। कनकेव हमने पढ़ा है कि ये डाइवर्जिंग होता है। अब यहां पे अगर हमारा म्यू वन म्यू टू से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये जो डाइवर्जिंग था ये क्या बन जाएगा? कन्वर्जिंग, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत मायने रखता है। अगर वो लेंस से बड़ा हो गया तो लेंस अपना काम उल्टा कर देगा, ठीक है। एक बात और में ध्यान में रखनी है, एक बात और स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा
म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लेंस का है उतना ही सेम हो जाए, तो ये वाली रेज बिना कुछ डाइवर्ज या कन्वर्ज किए सीधी निकल जाएगी। तो ये केस कौन सा है, व्हेन द लेंस बिकम्स ट्रांसपेरेंट, यहां क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल आपसे पूछेगा कि व्हेन व्हाट इज द केस इन विच द लेंस बिकम्स ट्रांसपेरेंट, तो आपने बताना है कि जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है, थर्ड हमारा डिपेंड करता है इस रेडियस पे, क्योंकि जो फॉर्मूला एफ है वहां पे आर वन एंड आर टू भी गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ बोथ द सर्फेसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 बाय एफ इफ एफ इन सेंटीमीटर्स, और पी इज इक्वल टू इफ एफ इन मीटर्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, मीडियम ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, डाइऑप्टर, द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस आर डाइऑप्टर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं। डायग्राम में स्टूडेंट्स दो लेंस नजर आ रहे हैं आपको, एक की फोकल लेंथ ज्यादा है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर, अब यहां पे लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंस पतला होगा उसकी फोकल लेंथ होगी ज्यादा। लेकिन अब यहां पे फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, उल्टा रिलेशन है, तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर क्या होगी, कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, जितना लेंस मोटा होगा उसकी पावर होगी ज्यादा, क्योंकि वो रेस को जल्दी यहां पे इकट्ठा कर देगा, जितनी नजदीक इकट्ठा करेगा उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी। फिर हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज डिफाइंड डायोप्टर, द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर कब होती है, जब उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, क्योंकि यहां पे हमारी पावर 1 डायोप्टर हो जाएगी और फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर ऑफ पावर इज डिफाइंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या, हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दो लेंस हमें गिवन है तो उसकी पावर को ऐड करना है, तो P1 प्लस P2, अगर कन्वेक्स है तो उसकी पावर प्लस में आएगी, अगर कनकेव है तो उसकी पावर माइनस में आएगी, सेम कन्वेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, कैन कन्वर्जेंट लेंस बिहेव लाइक डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस होता है कन्वेक्स, कैन बिहेव लाइक डाइवर्जेंट लेंस मींस कनकेव। तो मैंने क्या बताया था, व्हेन द कन्वर्जेंट लेंस इज प्लेस्ड इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम सच एज कार्बन बाइसल्फाइड, ये आप याद रखो, इट विल बिहेव लाइक डाइवर्जेंट लेंस। तो यहां पे क्या है, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, वो म्यू वन से क्या है, छोटा हो गया, मीन्स डेंसर मीडियम हमारा बाहर वाला हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम डेंसर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमने याद करना है कि कन्वेक्स लेंस इमेजेस कैसी फॉर्म करता है, 10th क्लास में जो आपको पढ़ा है उसकी, कन्वेक्स लेंस की रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, एम कहां पे होगा, एम माइनस कहां होगा, प्लस कहां पे होगा, वही लेंगे। सबसे पहले इसका हम टेबल बनाएंगे, तो ये मैंने टेबल बनाया है, अब मैं आपको लेंस की इमेजेस बना के दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो अगर स्टूडेंट्स आपने डायग्राम ध्यान से समझना है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये हमने 3 ले रही है दोनों साइड, और ये हमने यहां से O2 F1 क्या लिए, 6 लिए, तो ये फोकल लेंथ है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट डायग्राम बनाऊं, फर्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी आ रहा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे, इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज ऑब्वियसली हमारी कहां पे बनेगी, एट एफ बनेगी। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम है फर्स्ट वाला, इन्फिनिटी टू फोकस। ठीक है,
उसी डायग्राम को इरेज करा के अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे। जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ जानी चाहिए, इमेज जानी चाहिए हमारी इन्फिनिटी पे। तो सच में बिल्कुल रियल में हमारी इमेज इन्फिनिटी पे तब जाएगी जब हमारी मेजरमेंट बिल्कुल सही होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी टू इन्फिनिटी जा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्री और थ्री लिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसी डायग्राम में मैंने इरेज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है एट बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन, जिसकी हाइट है एच वन। तो जब हम इमेज बनाएंगे तो अब यहां से हमें पता लगेगा कि एम कैसे वेरी कर रही है, और ये हमने ओ में से ऐसे ही निकाल देनी है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो हमारा बन रहा है ये यहां पे इमेज बन रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। ये हमारी लाइन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो डायग्राम है यहां पे हमारी इमेज क्या बन रही है, ये वाले में बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन ये हमारी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा एम कितना हो गया, एक तो उल्टा हो गया, उल्टे का क्या लेंगे माइनस, और यहां पे एच वन छोटा है, एच टू क्या बन गया बड़ा, तो ये कितनी आ जाएगी टू आएगा, ठीक है। याद रखना आपने ये, आप साइड में लिखते जाओ कि रियल एंड इन्वर्टेड का कैसे आ रहा है। अब यहां पे मैंने एड टू एफ वन ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। टू एफ वन पर जब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे टच करवा के एफ में से निकालूं तो देखते हैं कहां बनेगी इमेज। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये हमारी इमेज कहां बन रही है, यहां पे बन रही है, ठीक है, वहीं पे बन रही है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था। तो यहां पे H1 कितना है मैंने लिया 1 सेंटीमीटर, तो हमारा H2 भी कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। मींस M हमारा कितना है, उल्टे के लिए हमने लेना है माइनस, सेम साइज के लिए क्या लेना है 1। ये भी हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, ये जो सभी ऊपर वाले हैं ये रियल एंड इन्वर्टेड लेने हैं हमने, ये यहां तक याद रखना आपने रियल एंड इन्वर्टेड। ये लास्ट डायग्राम जैसे हमने कनकेव का कनकेव मिरर का लास्ट डायग्राम वर्चुअल रिएक्ट लिया था, इसी तरह से हमने इसका लेना है। अब मैंने रखना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ टू, टू एफ वन सॉरी, यहां पे वन आएगा, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे टू एफ टू वन है, यहां पे टू एफ वन आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कहां पे इमेज बनती है। तो जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो हमने ये देखना है ये कहां पे मीट करेगा। तो जब ये मीट करेगा तो आपने ये देखना है कि इमेज का साइज कैसा बन रहा है। ये देखो ये यहां पे मीट कर गया, ये H1 है, ये क्या है H2। अब देखो H1 बड़ी होगी, H2 छोटी होगी। अब M कितना है, नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड। अब हमने 1 नहीं लिखना, यहां पे 1 से क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, ठीक है, लेस देन 1। ये भी हमारी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड ओ, ये मैंने बिटवीन एफ वन एंड ओ रख लिया, ठीक है। तो जब मैंने एफ वन एंड ओ रखा है तो सबसे पहली रे हम यहां से निकालेंगे, फोकस में से जाएगी, ठीक है, फिर हमारी ये वाली रे जाएगी ओ में से। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों रेज फैल गई हैं, तो इनको हमने कहां मिलाना पड़ेगा, हमें इसको यहां पर मिलाना पड़ेगा, ये जहां पे भी हमारी मीट करेगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। ये देखो तो ये हमारी इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है, ये एक तो हमारा एम आ गया प्लस में क्योंकि सीधी बन गई इरेक्ट, और हमारी मैग्नीफाई होगी, एच वन छोटा था, एच टू क्या आ गया बड़ा आ गया, तो हम क्या लिखेंगे टू थ्री या फोर, ग्रेटर देन वन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी इमेजेस फॉर है कन्वेक्स लेंस। और स्टूडेंट्स ये जो हमारी इमेज है ये अकेली इमेज है जो कि है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये लास्ट वाली, और सारी जो इमेजेस ऊपर वाली हैं वो है रियल एंड इन्वर्टेड। एम आपने नोट कर लेने हैं कि एम कहां पे प्लस आ रहा है, कहां पे माइनस आ रहा है। बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास, सीधा सा फॉर्मूला ये है कि ये हमेशा इमेज को छोटी बनाएगा, मीन्स इसका जो एम होगा वो 1 अपॉन 2 या 2 अपॉन 3 या 1 अपॉन 3 होगा,
और हमेशा इसका एम क्या आएगा, प्लस में, याद रखना आपने। तो मैं अगर इमेज कहीं पे भी रख दूं, आप डायग्राम कोई भी देख लो, मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये रे यहां तक जाएगी, फिर हमने इस रे को कहां से निकालना है, एफ में से निकालना है। तो यहां पे मेरे पास जो इमेज बनेगी वो मुझे डॉटेड बनानी पड़ेगी, ये ऐसे। फिर हमने यहां से ओ में से निकालनी है, जब मैं ओ में से निकालूंगा तो ये ऐसे बनेगी। तो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हम इसने जो कनकेव लेंस है इसने इमेज छोटी बनानी है, ये कनकेव लेंस है। तो आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, देखो कितने छोटे हो गए वर्ड्स, देखिए ये कनकेव लेंस है, ये सेंटर में से पतला है और साइड में से इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो अगर मैं इसको कैमरे के सामने कर रहा हूं तो ये आपको इमेज छोटी बना के दिखा रहा है, तो ये हमेशा ही इमेज छोटी बनाएगा, ठीक है। तो इसका एम हमेशा लेना है प्लस में, और ये हमारी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये याद रखना आपने। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है लेंस, मैंने लेंस के बारे में बता दिया था, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस, लर्न कर लेना आपने। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, लेंस थिक एट द मिडल थिन एट द एजेस, ठीक है, कनकेव लेंस का उल्टा, थिन एट द मिडल थिक एट द एजेस, ठीक है, मैंने दिखा दिया। फैक्टर्स मैंने बता दिया, मटेरियल एफ कहां पे डिपेंड करती है, मटेरियल सराउंडिंग मीडियम का इंपॉर्टेंट है म्यू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशंस ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला कैसे होल्ड करता है, एपर्चर स्मॉल होना चाहिए और लेंस छोटा होना चाहिए। इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिलेटेड टू थिकनेस, हाँ जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, मींस पावर का ये कंसेप्ट आ गया, जितना लेंस मोटा होगा उसकी पावर कम होगी। रिमेनिंग सेम, द थिक लेंस विल हैव मोर पावर एंड लेस फोकल लेंस हैव कंपेयर टू थिन लेंस। व्हिच फिनोमेना डस टेक प्लेस, लाइट पास थ्रू रिफ्रैक्शन, तो टॉपिक रिफ्रैक्शन चल रहा है, पहले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन बताया था। पावर ऑफ लेंस मैंने रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ बता दिया। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ओ, तो ओ ऐसा पॉइंट है जहां से हमारी कोई भी रे डेविएट नहीं करती। तो आप देख सकते हो जितने भी मैंने डायग्राम बनाया है, तो ओ हमारा, ओ में से जो लाइन है रे की सीधी निकल रही है, ध्यान से देखना आप जितने भी मेरे डायग्राम है, तो वहां पे लेंस से हमारी रे सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पॉइंट विद इन द लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस हैज स्फेरिकल प्रॉपर्टी दैट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, ठीक है, याद रखना आपने, पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ कन्वेक्स, प्लेन सरफेस का कितना होता है रेडियस, इन्फिनिटी, मैंने आपको मिरर वाले टॉपिक में बताया था। द पोर्शन ऑफ लेंस इज ब्रोकन, विल इट फॉर्म कंप्लीट इमेज, यस, कंप्लीट इमेज कैसे बनाएगा, अगर लेंस को हम ब्रेक कर देंगे तो इमेज बनाएगा, जैसे ये कन्वेक्स लेंस को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया तो ये प्लेनो कन्वेक्स बन गया, ठीक है। मिरर को करते तो वो इमेज नहीं बनाता। प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या है, माइक्रोस्कोप, ये जो हमारी इमेज है ये माइक्रोस्कोप की इमेज है, ये हमारा प्रिंसिपल सिंपल माइक्रोस्कोप का है, आपने पढ़ाया है टॉपिक, ठीक है। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफाइड मेनी टाइम्स 2, 3, 4, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल्स, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। हाउ कैन कन्वेक्स लेंस एक्ट एज मैग्नीफायर, वही क्वेश्चन मैंने अभी जो बोला है, बिटवीन पोल एंड फोकस दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। डायोप्टर की डेफिनेशन मैंने बता दी है, वन डायोप्टर कब होती है, जब फोकल लेंस वन है। व्हेन टू लेंसेज की पावर का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, कैन द पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव फॉर कनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स, ठीक है। डज द पावर ऑफ लेंस चेंज व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वॉटर, अगर स्टूडेंट्स हमारी फोकल लेंथ चेंज हो रही है वॉटर में इमर्स करने पर, तो ऑब्वियसली पावर चेंज होगी, क्योंकि पी इज इक्वल टू 1/f। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, यस द पावर ऑफ लेंस विल डिक्रीज एज इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज, क्यों, क्योंकि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, अगर एफ गम हो गया तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। डज द फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस लेंस सेम फॉर ऑल कलर्स अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है लेंस की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, सुनो, डिफरेंट कलर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी नॉट बी सेम फॉर ऑल द कलर्स, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड कलर विल बी मैक्सिमम, याद रखना आपने, फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा किसका मैक्सिमम होता है, रेड का, वॉयलेट का क्या होता है, मिनिमम,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बना लेते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर एक्सटर्नल को दे सकते हो। क्रोमेटिक एब्रिवेशन हमारी सिलेबस में कट चुकी है, फोकल लेंथ को हमने दो हिस्सों में काट दिया, तो क्या हो गया, ये प्लेनो कन्वेक्स बन गया, ये कन्वेक्स ऑफ प्लेन बन गया, ठीक है। बाय कन्वेक्स लेंस का रेडियस गिवन है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बाय चांस हमारे एक्सटर्नल न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये कैन डाइवर्जेंट लेंस कन्वर्जेंट लेंस बन सकता है, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस, द फोकस इज अ पॉइंट, फोकस का होता है जहां पे सारी रेस इकट्ठी होती हैं पैरेलल बीम की, प्रिंसिपल फोकस स्पेशल फोकस होता है, ये हमारा पैराबोलिक के लिए होता है, ठीक है, ओके।